मोदी झूठ बोलने के लिए माफी मांगो नहीं तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। पहले अमेरिका के टुकड़ों पर पलता था, अब चीन के साथ टुकड़ों में पलके इन्होंने सुपारी ले रखी हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। स्वतः संज्ञान लेने वाले अरुण कुमार मिश्रा, आप ऐसे देश के गद्दार और चीन के वफादार के मामले में क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेते हो? हमारे देश का जवान शहीद हो गए, हर हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा नालायक देश का गद्दार कहता है, पूरा सिख समुदाय कह रहा है कि नरेंद्र मोदी झूठा है, झूठ बोलता है, उसके लिए माफी मांगे। देश के गद्दार और चीन के वफादार के अंधभक्तों से कहना चाहता हूं कि शहीदों की शहादत के बाद उस जमीन को अपनी न बताने वाला देश का गद्दार नहीं तो और क्या हो सकता है। टेलीविजन तुम्हारे और मेरे नहीं है, इस देश और दुनिया के लुटेरों के मुनाफाखोरों का चैनल है वो। हमारा देश एक ऐसी दशा में प्रवेश कर चुका है जहां सच बोलने पर प्रशांता भूषण जो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम माफी मांगो। किस बात के लिए? सच बोलने के लिए तुम माफी मांगो नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिख संगठन कह रहे हैं, मोदी झूठ बोलने के लिए माफी मांगो नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? पर एक रोचक बात है कि प्रशांत भूषण के पक्ष में देश और दुनिया के पढ़े लिखे शिक्षक, वकील, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज और सामाजिक कार्यकर्ता 10,000 से ज्यादा खड़े हैं कि प्रशांत भूषण बिल्कुल सही है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ सिख संगठन आवाज उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी माफी मांगो, तुमने झूठ बोला है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, राम भक्त होकर राम के लिए गोविंद रामायण की रचना नहीं किए थे, तुमने झूठ बोला है, माफी मांगो। एक भी व्यक्ति भारत और दुनिया का नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा नहीं है इस बात को लेकर के। ये पहला मसला है। अब दूसरा मसला है जो आपने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कहा, सुप्रीम कोर्ट इस देश की और अपनी क्या हिफाजत करेगा जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रशांत भूषण के दो ट्वीट जो हुए हैं उनसे हमारे देश का ये जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है इसको बहुत खतरा है, कमज़ोर हो गया, हम डराने के लिए, हम सजा दे रहे हैं लेकिन डराने के लिए। क्या डराने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रशांत भूषण से कि प्रशांत भूषण तो माफ़ी मांगो, प्रशांत भूषण ने कहा कि मैंने पूरे विवेक और होश और सोच समझ करके बोला है। क्या मामले हैं? प्रशांत भूषण ने कहा कि देश का मुख्य न्यायाधीश कोरोना काल में बगैर मास्क के, बगैर हेलमेट के 80 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे थे एक भाजपा नेता की। तो कौन सी बुरी बात कर दी भाई, मैं भी तो बोल रहा हूँ ना आपके माध्यम से, ये बात भी जाएगी। और दूसरी बात कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार है, तो सुप्रीम कोर्ट के 9 पूर्व जजों ने भी कहा कि हाँ भ्रष्टाचार है। और अभी एक बड़ी कतार है प्रशांत भूषण के साथ, न मेरे जैसे कार्यकर्ता से लेकर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी जो कह रहे हैं प्रशांत भूषण तुम ठीक हो, प्रशांत ने कह दिया मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की, ये हमारा राइट टू स्पीच का मामला है। लेकिन मैं एक बड़ा सवाल जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण कुमार मिश्रा कह रहे हैं हमने स्वतः संज्ञान लिया। किस बात का स्वतः संज्ञान लिया? कि प्रशांत भूषण ने ऐसा ट्वीट किया था। अब मैं ये जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से मेरी मांग है कि प्रशांत भूषण ने यदि झूठ बोला तो प्रशांत भूषण को आप फांसी पर लटकाइए भाई। लेकिन प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्टाचारी थे, तो आप निर्दोष उनके सर्टिफिकेट जमीन पर रखो, देश की जनता को बताओ कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जज भ्रष्टाचारी नहीं था, ये प्रमाणिक तौर पर आप जनता के बीच में पहले रखिए। मैं कह रहा हूं कि प्रशांत भूषण के सवालों से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस नहीं पहुंची है, ठेस अब पहुंच रही है जो अरुण कुमार मिश्रा की बेंच कह रही है। अरुण कुमार मिश्रा की बेंच प्रशांत भूषण को वो कागजात नहीं दे रही है जिसके तहत उनको सजा सुनाई जा रही है, स्वतः संज्ञान लेने की बात हो रही है। हम ये कह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ जज हैं अरुण कुमार मिश्रा, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मिश्रा जी आप पहले देश को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी भ्रष्टाचारी चरित्र नहीं था, कोई जज भ्रष्टाचारी नहीं था, ये सबूत के साथ आप जनता के समक्ष पेश करें, उसके बाद आप प्रशांत भूषण को दंडित करने और सजा सुनाने की बात करें। ये कितनी बड़ी विचित्र स्थिति है।
हम ये कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण ने सही कहा, आगाह किया। एक तरफ आम लोगों को पुलिस कुत्तों की तरह पीट रही थी, शारीरिक दूरी बनाने के नाम पर, मास्क लगाने के नाम पर पीटा जा रहा था, और दूसरी तरफ उसी दौरान अदालत नहीं चल रही है और मोटरसाइकिल पर बगैर मास्क के बैठे हुए थे हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश। मैं स्वतः संज्ञान की बात को लेकर के करना चाहता हूं। आपने स्वतः संज्ञान लिया कि प्रशांत भूषण ने यह ट्वीट क्यों किया। मैं मानना अरुण कुमार मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे देश के 20 जवानों की हत्या कर दी चीन ने पीट पीट करके, 76 जवानों को घायल कर दिया, और वो हमारी देश की मातृभूमि की हिफाजत के लिए, और हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे शख्स ने कहा कोई हमारी देश की सीमा में नहीं घुसा, किसी ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, किसी की हमारी जमीन पर पोस्ट नहीं है, तो स्वतः संज्ञान लेने वाले अरुण कुमार मिश्रा, आप ऐसे देश के गद्दार और चीन के वफादार के मामले में क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेते हो? हमारे देश का जवान शहीद हो गए और हमारे देश में प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा नालायक देश का गद्दार कहता है हमारे देश में कोई नहीं घुसा, तब 20 जवान आज 21 जवान शहीद हो गए। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, हमारे देश में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए, और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि कोई गुरु की पूजा नहीं होगी, गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा, गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के स्थान पर रखा जाएगा। और आपने कहा कि उन्होंने तो राम भक्ति में गोविंद रामायण की रचना कर डाली। पूरा सिख समुदाय कह रहा है कि नरेंद्र मोदी झूठा है, झूठ बोलता है, उसके लिए माफी मांगे। और नरेंद्र मोदी अगर यह कहता है कि मैं सच बोला हूं, तो गोविंद रामायण को जनता के बीच में रखे। मैं फिर आग्रह करता हूं अरुण कुमार मिश्रा जी, गुरु गोविंद सिंह को राम भक्त और रामायण के रचना लेखक बताने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर के आप क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करते? सिख समुदाय ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी माफी नहीं मांगेगा तो वो मुकदमा दर्ज कराने वाले हैं। मैं तीसरा जिक्र करना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर पहले कहा गया जब 30 जनवरी को कोरोना आया कि देश में कोरोना नहीं आएगा, फिर कहा गया कोरोना नहीं फैलेगा, और फिर क्या बोला जब 519 मामले थे, हमने 18 दिन में रामायण जी और महाभारत जीता है, हम 21 दिन के अंदर कोरोना से जीत जाएंगे, और क्या हुआ आपने देखा, हमारे देश के अंदर जब कोरोना के मामले बढ़ते बढ़ते 2 लाख हो गए, तब 1 जून को अनलॉक शुरू कर दिया, 5,000 ज्यादा लोगों की जान चली गई कोरोना से, और 2 लाख ज्यादा मामले हो गए, आपने दवाई नहीं बनाई, टीका नहीं बनाया, कोई व्यवस्था आप नहीं कर पाए, 519 मामलों में आप ताला लगा देते हैं और 2 लाख मामलों में आप ताला खोलते हैं। 1 जुलाई को 6 लाख से ज्यादा मामले हो गए थे, 17,000 लोगों की जान जा चुकी कोरोना के कारण, और आपने अनलॉक 2 कर दिया, और 1 अगस्त को 17 लाख से ज्यादा मामले हो गए थे और 35,000 ज्यादा के लोग जान चली गई थी, और आपने पूरे देश का ताला खोल दिया। तो एक मिनट, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना का संक्रमण विस्तार और कोरोना की चेन तोड़ने के नाम पर देश के लोगों के साथ झूठ बोला, गद्दारी की है, क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट इस गद्दार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है? मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, हमारे देश के अंदर उद्योग तबाह हो चुके हैं, 20 साल में भी नहीं पनप पाएंगे, व्यापार तबाह हो चुके हैं, नहीं पनप पाएंगे, किसान तबाह हो चुके हैं, हथकरघा 50-50 लाख की मशीनें लोग 50-50 हज़ार में बेच रहे हैं, हथकरघा चौपट हो चुका है। और आपको बताना चाहता हूं, देश का किसान, देश का रेड़ी पटरी खोमचा वाला और दैनिक मजदूरी करने वाला सारा तबका, और देश का विकास दर, और देश का रेलवे, देश का वायु सेवा और देश की बस सेवा सारी की सारी चौपट हो चुकी है, और देश के लोग कंगाल हो चुके हैं, देश कंगाल हो चुका है। वो अलग बात है कि संघ परिवार का जो तंत्र है वो मालामाल हो चुका है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस शख्स ने गलवान घाटी में शहीदों की शहादत के बाद कहा यह जमीन हमारी नहीं है, उस देश के गद्दार के खिलाफ क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेता सुप्रीम कोर्ट? जिसने कोरोना के नाम पर हमारे देश को जब तक 70 दिन तक कोई दवाई नहीं बनी, जब तक ये पता लगा मोदी को कि फैक्ट्रियां बच सकती हैं, व्यापार बच सकता है, किसान बच सकते हैं, रेड़ी पटरी खोमचा वाला, हथकरघा वाला बच सकता है, तब तक लॉकडाउन करके रखा। और जब पता लग गया अब फैक्ट्री नहीं बचेगी, व्यापार नहीं बचेगा, उद्योग नहीं बचेगा, रेल नहीं बचेगा, बैंक नहीं बचेगा, बेल नहीं बचेगा, एयरलाइंस नहीं बचेगा, तो अनलॉक कर दिया। हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए मैं पहले भी बार बार बोलता रहा हूँ, मैंने 26 मार्च को कहा था कि लॉकडाउन से कोरोना का संक्रमण नहीं रुकेगा, मैंने 29 मार्च को कहा कि कोरोना से लोग नहीं मरते हैं, अब कह रहा है नरेंद्र मोदी
कि हमारे देश में कम लोग मरते हैं। हमने पहले कहा था मूर्ख, ये रोग पहली बार नहीं आया। कोई वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि धरती पर कोरोना पहली बार आया, पर पहली बार कोरोना की खोज हुई और ये हर साल आता है। और फिर कहा, आप कह रहे हैं कि लोग नहीं मरते हैं, मैं आपको बताता हूँ, राजधानी दिल्ली का सीरो सर्वे बताता है 59 लाख लोगों को कोरोना हुआ, और वो भी कम बताता है, क्योंकि हर घर में कोरोना पहुंचा है। कोरोना क्या होता है आप देव इसको समझिए, एंटीबॉडी आपके शरीर में 2-3 महीने तक रहती है। जनवरी में कोरोना आ गया, जुलाई में आप सर्वे करा रहे हैं मुंबई के अंदर 40% लोगों को। जिस दिन मई के महीने में 4-5 मई को दारू के ठेके इन्होंने खोले थे, मैंने उसी दिन ऐलान कर दिया था, अब भारत के एक एक घर में कोरोना पहुंच चुका है। तो हम ये कह रहे हैं कि कोरोना के नाम पर कोरोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। जिस दिन कमलनाथ की सरकार गिरा करके और शिवराज चौहान की सरकार बनाई गई मध्य प्रदेश में, तो देश में ताला बंद कर दिया। और जिस दिन आपने अशुभ मुहूर्त पर अधार्मिक तरीके से, क्योंकि जब भगवान तो सोया होता है, अधार्मिक तरीके से आपने शिलान्यास करना था अयोध्या में, तो उससे पहले 4 दिन पहले 1 अगस्त को आपने पूरे देश को अनलॉक कर दिया। अब आप इसको समझ रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को देव आपको समझना पड़ेगा, इस क्रोनोलॉजी को। कोरोना की आड़ में देश का न केवल बेड़ा गर्क कर दिया, उद्योग व्यापार एयरलाइन से लेकर के किसान मजदूर हथकरघा तमाम हमारे देश की विकास दर से लेकर तमाम चौपट हो चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूँ देशवासियों से, मैं देशभक्तों से भी और देश के गद्दार और चीन के वफादार के अंधभक्तों से कहना चाहता हूँ कि शहीदों की शहादत के बाद उस जमीन को अपनी न बताने वाला देश का गद्दार नहीं तो और क्या हो सकता है। गुरु नानक को गुरु नानक के 10वें गुरु मैं कहता हूँ, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह को राम भक्त और रामायण गोविंद रामायण का लेखक बताने वाला छूटा नहीं है तो और क्या हो सकता है। और कोरोना की क्रोनोलॉजी पर हमारे देश को बर्बाद और तबाह करने वाला देश का गद्दार नहीं तो और क्या इसे कह सकते हैं। मैं देशभक्तों से भी, देश की 135 करोड़ से अधिक आबादी में और देश के गद्दार चीन के वफादार के अंधभक्तों से भी बात करना चाहता हूँ। ये बताइए कि 519 मामलों में देश को ताले में बंद करके और 17 लाख से ज़्यादा मामले उजागर होने पर ताला खोलने वाला बुद्धिमान आदमी है कि मूर्ख आदमी है? आपको बताइए, मूर्ख होगा? मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ वो मूर्ख है। हमारे देश के जवानों ने शहादत दी, 20 जवानों को पीट पीट के मार डाला, 76 जवान घायल हो गए और वह देश का गद्दार कहता है ये भूभाग हमारा नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश का विक्रम मिस्त्री यहाँ पर राजदूत है चीन के अंदर, वो गिड़गिड़ा रहा है 5 जगह चीन का कब्जा है और अब ये नालायक क्या कर रहा है, ये देश का गद्दार चीन को पीछे करने की बजाय हमारी सेना जो हमारे पास अभी भारत है उससे अपनी सेना को पीछे करने का काम कर रहा है। आपको मालूम है कि नहीं, कोरोना काल में एयरपोर्ट बेच रहा है, कोरोना में देश बर्बाद हो गया लेकिन मुकेश अंबानी धनवान हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिएगा, मैंने नहीं कहा, मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, प्रशांत भूषण के साथ 10,000 देश और दुनिया के लोगों ने कहा हम प्रशांत तुम्हारे साथ हैं, तुम माफी नहीं मांगोगे। और नरेंद्र मोदी से कह रहा है सिख समुदाय कि माफी मांग झूठे, और एक भी आदमी नहीं कह रहा कि मैं मोदी के साथ हूं। तो आप समझ लीजिएगा कि जो शख्स टेलीविजन तुम्हारे और मेरे नहीं है, इस देश और दुनिया के लुटेरों के मुनाफाखोरों का चैनल है वो, आप समझ लीजिएगा। जो हमारे देश का रेल भेल गेल सेल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कह रहा है कि मैं आत्मनिर्भर भारत बनाऊंगा 20 लाख करोड़ रुपए में, मैं देव आपको बताना चाहता हूँ, ईमानदारी के तहत अगर आज नरेंद्र मोदी बंटवारा करे 20 लाख करोड़ रुपए का, तो एक एक परिवार, हमारे देश में अनुमानित 25 करोड़ परिवार हैं, एक एक परिवार को 80-80 हज़ार रुपए मिलता है, एक बात अगर ईमानदारी करेगा। पर अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, ये बेईमान उसमें भी कुछ करेगा। मैं दूसरा एक बड़ा जिक्र करना चाहता हूँ आत्मनिर्भर भारत का, हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है भारतीय रेल। भारतीय रेलवे में 13 लाख से ज़्यादा लोग नौकरी करते हैं। आपको मालूम है कि नहीं, 13,500 रेलें रोजाना फेरे लगाती हैं और आज की तारीख में कोरोना काल में 230 रेल चल रही है। 9,000 रेलवे स्टेशन है हमारे देश के अंदर, 2,500 रेलवे स्टेशन बड़े स्टेशन है जहां 80-80 स्टॉल है और उन एक एक स्टॉल में 6-6 वेंडर काम करते हैं देव, और 6500 छोटे स्टेशन है जहाँ अनुमानित 10-10 स्टॉल हैं और वहाँ पर भी 6-6 लोग, मतलब 15,90,000 वेंडर
जो काम करते हैं रेलवे स्टेशनों पर, 13,500 रेलें जो जाती हैं उनके लिए खाना पानी फल चाट वगैरह का। अब आप मुझे बताइए कि 13,500 रेलों में सफ़र करने वाले और अब सिर्फ 230 रेल चल रही हैं, तो रेलवे में 15,90,000 वेंडरों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, जो कुली सामान उठाने का काम करते हैं भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, और जो सामान की आपूर्ति करते थे 9,000 रेलवे स्टेशनों के स्टॉल पर, वो सेल्समैन भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, और जिन उद्योगों का माल वहाँ खपता था, जिन हलवाइयों का माल वहाँ खपता था, वो सब भुखमरी के कगार पर पहुँच चुके हैं। हमारे देश में किसान के पास पैसा नहीं, आत्महत्या कर रहा है। हमारे देश में क्या कहा जा रहा है, अरे हम सबको नौकरी देने के लिए टेस्ट लेने के लिए एक संस्थान बना रहे। अरे मूर्ख, हमारे देश की संसदीय समिति के पास आंकड़ा है, भारत सरकार ने कहा 10 करोड़ लोगों की नौकरी जाने वाली है। हमारे देश के उद्योग 15,00,000 करोड़ के घाटे में पहुंच चुके हैं। व्यापारियों का आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा है, बेरोजगारों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा है, किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा है, और आप समझ लीजिएगा 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी छीनने वाली है, और वो मूर्ख गाल बजा के कह रहा है मैं देश को आत्मनिर्भर बनाऊंगा। हमको लगता है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये चीन के टुकड़ों पर पलता हुआ, पहले अमेरिका के टुकड़ों पर पलता था, अब चीन के साथ टुकड़ों में पल के इन्होंने सुपारी ले रखी हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। हमारे देश को यहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल है, पर देखना रोचक होगा। प्रशांत भूषण डटे हुए हैं कि मैं किसी भी कीमत पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। प्रशांत भूषण के साथ देश खड़ा है, और नरेंद्र मोदी के लिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ। सिख समुदाय के लोगों ने कहा गुरु गोविंद सिंह के लिए उनका अपमान करने के लिए हम मोदी पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। मैं देश के भूतपूर्व सैनिकों से आह्वान करता हूं, गलवान घाटी में जहां शहीदों ने शहादत दी, और ये शहीदों की शहादत के बाद मोदी ने बोला वो भूभाग हमारा नहीं है, इस देश के गद्दार के खिलाफ आ जहां जहां हैं जिन्होंने उस इलाके में ड्यूटी की, वो इस गद्दार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। जिन उद्योगों को, व्यापारियों को, जिन किसानों को, जिन रेड़ी पटड़ी खोमचा वालों को, जिन हथकरघा के काम वालों को और दैनिक मजदूर वालों को इसने तबाह कर दिया मोदी ने अपनी मूर्खता के कारण, उन सबों से भी मेरी गुजारिश है कि जहां जहां आपके पुलिस थाने हैं वहां वहां पर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये देश का गद्दार है, देश का और चीन का वफादार और मूर्ख आदमी है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। ये अपील मैं आपसे करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।